हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो स्वागत है आपका शिखर बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही नया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है इवोल्यूशन, या हिंदी में बोले तो विकास। विकास के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन होता क्या है। पहले हम जैसे कि बताते हैं कि हर चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है और इसको पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे, ये ज़रूर आपको जानना चाहिए। एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इससे चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहेगा, प्लस चैप्टर की आपकी समझ बढ़ेगी और जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप अपने मन से लिख सकेंगे उसका आंसर। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो पहले हम जानेंगे इवोल्यूशन है क्या, क्या है इवोल्यूशन, किसको कहते हैं विकास। तो हम बोलते हैं कि जैसे हम बहुत सारे अपने ही आसपास पड़ोस में बहुत सारे जीव जानवर देख रहे होते हैं, जीव जंतु देख रहे होते हैं, तो हमारी पृथ्वी कैसे बनी, इस पृथ्वी पे इतने जीव जंतु कैसे आए, किस प्रक्रिया के तहत आए, जब हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं, यानी साइंस का वो ब्रांच जो डिटेल में स्टडी करता हो किसका, जनरेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो बात करता हो, तो ऐसे ब्रांच को हम इवोल्यूशन बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं इसे स्टडी को। यानी जब हम जो भी ग्रेजुअल चेंजेज हुए हैं धीरे 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 धीरे, इन चेंजेज के बारे में अगर हम पढ़ें, जैसे हम पहले भी जाना करते हैं कि हमसे अपने लोग या हमारे टीचर्स बोला करते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। कॉमन सी बात कर लें अगर ऐसे, तो जो जनरली लगभग सब लोग जानते होंगे, तो बंदर हुआ करते थे। तो आखिर में धीरे 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 हम ऐसे अपीयरेंस में इंसान कैसे बने, यानी एक अचानक तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन बंदर से इंसान आ गया होगा, यानी एक धीरे धीरे होने वाला प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस में जब बंदर से इंसान बना, मैं आपके लिए ही कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब बंदर से इंसान बना होगा तो इसमें चेंजेज बहुत सारे हुए, और बहुत सारे चेंजेज जो हुए हैं बंदर से इंसान बनने में वो बहुत जल्दी नहीं हुए, बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया की जब हम स्टडी करेंगे, इसी प्रक्रिया के बारे में जब जानेंगे कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तमाम इसके प्रूफ, तमाम एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्टों का इस पे कार्य, इन सारे चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और हम बताएंगे कि हमारे यहाँ इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इनके बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए थ्योरीज को जानेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, लोगों का पहले क्या मानना था, इन सारी बातों को जानेंगे हम लोग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट, उसी इंटरेस्ट से आप पढ़िएगा। तो आप सबको पता है कि अगर हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो सबसे पहले तो लाइफ के बारे में, कि लाइफ कैसे शुरू हुई, सबसे पहले तो हमें इस बात को जानना होगा कि भैया पृथ्वी कब बनी, पृथ्वी कब बनी। तो यानी पहले पूरा डिटेल देखेंगे हम इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारा मेन होगा पर्पज क्या, ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में भैया, पृथ्वी की उत्पत्ति, और फिर क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या पढ़ेंगे भैया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति। हम इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा जानेंगे कि भैया हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। जीवन की उत्पत्ति से पहले अगर हम बात करें पृथ्वी के बारे में, किसके बारे में बात करें भैया, पृथ्वी के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारा जो है, हमारे यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति को डिफाइन करने के लिए जो सबसे बेस्ट थ्योरी था उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से स्टार्ट होता है आपका इवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी से। कुछ लोग इसको बिग बैंग महाविस्फोट भी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी थी जिसे ए बी लिमात्रे नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, ए बी लिमात्रे साहब ने क्या बताया था इसके बारे में, इसका अपना परिकल्पना दिया था, बिग बैंग थ्योरी की परिकल्पना दी थी।
इन्होंने बताया था कि अगर हम देखें तो आज जो भी हम देख रहे हैं, धरती देखते हैं, आसमान देखते हैं, वाटर बॉडीज देखते हैं, हम तमाम चीज़ें देखते हैं अपने चारों तरफ, तो अगर हम देखें तो हमारा पूरा यूनिवर्स पहले एक गोले के रूप में था। ऐसे समझिएगा कि पूरा यूनिवर्स एक गोले के रूप में था, ऐसा एक गोला था हमारे यूनिवर्स का, और इसमें एक महाविस्फोट हुआ। तो महाविस्फोट होने के बाद इसके बहुत सारे टुकड़े हुए, और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। तो इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। तो इनिशियली जब महाविस्फोट हुआ तो धीरे धीरे, अगर हम अर्ली अर्थ की बात करें, अगर हम इनके हिसाब से अर्ली अर्थ की बात करें कि जो हमारे यहाँ पुरानी अर्थ थी, उस पर हम बोलते हैं कि अर्ली अर्थ पे कंडीशन ऐसे नहीं थे कि उस पर जीवन की उत्पत्ति हो सके, या कोई भी जीवित एंटिटी वहाँ मिले, क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी नहीं थी। इस महाविस्फोट के बाद जो अर्थ बना था हमारा, वहाँ टेम्परेचर और तमाम चीज़ों की कमी थी। हम बोलते थे कि अर्ली अर्थ जो होता था वो रिड्यूसिंग टाइप का होता था। क्या हुआ भैया? रिड्यूसिंग टाइप कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी आपकी भाषा में बोले तो रिड्यूसिंग टाइप कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन नहीं था, और जब ऑक्सीजन नहीं था तो जीवन कितना मुश्किल होगा। फिर धीरे धीरे तमाम चेंजेज हुए, कूलिंग, कंडेंसेशन, तमाम प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पृथ्वी पे जीवन आया। हम बोलने लगे कि जो हमारा मॉडर्न, यानी जो बहुत पुराने पृथ्वी की बात करें, यानी बहुत महाविस्फोट के बाद की बात करें, बिग बैंग थ्योरी के समय के या उसके हिसाब से बात करें, तो पृथ्वी जब अर्ली बनी थी, एकदम अपने लेट नए फेज में, तो वहाँ पे एटमॉस्फियर जो था रिड्यूसिंग टाइप का था। बहुत बार नीट में पूछा गया है रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फियर कहाँ था, तो भैया ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं, तो जीवन का कोई बात ही नहीं कर सकते हम। तो अर्ली अर्थ रिड्यूसिंग टाइप का होता है। बिग बैंग ने बताया था कि पूरा यूनिवर्स एक गोले में था, इसमें एक महाविस्फोट हुआ और इसी के रिजल्ट में क्या बना, हमारी पृथ्वी बनी। एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट जो कि आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ रहे होंगे, ऐसा पढ़ेंगे आप। अब हम कहते क्या हैं कि जैसे यूनिवर्स था, अब हम बोलते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत सारे गैलेक्सीज से बना हुआ। यूनिवर्स जो है हमारा बहुत सारा गैलेक्सी से बना हुआ। किससे बना हुआ भैया? गैलेक्सी से बना हुआ। बहुत सारे गैलेक्सी का क्या है? गुच्छा है। गैलेक्सी का क्या है भैया? गुच्छा है, मान सकते हैं। गैलेक्सी का क्या है? गुच्छा है। जो हमारे सबसे अर्थ के पास वाला गैलेक्सी है उसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। तो ऐसे हम पढ़ते हैं कि धीरे धीरे जो महाविस्फोट के बाद, बिग बैंग थ्योरी के बाद, धीरे धीरे जो भी उसके पिंडक थे, जो भी विस्फोट के बाद छोटे छोटे पार्ट बने उसके यूनिवर्स के, उसी में से एक पार्ट हमारा क्या है? पृथ्वी है। पहले जब शुरुआत हुआ था तो पृथ्वी पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि कोई जीवन विकास कर सके वहाँ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तमाम गैसेस अपीयर हुई, धीरे धीरे पृथ्वी हमारी ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद उस पर जीवन की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। उसके थ्योरीज को देखेंगे, और जो भी साइंटिस्ट इसमें अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं कि इस पृथ्वी पे जीवन कैसे आया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि पढ़ना क्या है अब। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि कैसे क्या हुआ है। तो यूनिवर्स हम बोलते हैं कि गैलेक्सी का गुच्छा होता है, और जो हमारे पास जो सबसे पास वाला यूनिवर्स है वो क्या है भैया? हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। पढ़ा होगा बुक में आपने। अब बात आएगी कि मिल्की वे गैलेक्सी, अच्छी बात है। अब हम बात करें तो एक टर्म आएगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। पूछे कोई कि भैया इस इवोल्यूशन वाले पार्ट में आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता क्या है, इसकी बात कर लें कि भैया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा हम समझ लें। तो अगर हम लाइफ फॉर्म की स्टडी करें, अगर हम पृथ्वी पे किस तरह के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ के कितने फॉर्म हैं उस पर हम चर्चा करें, तो इस साइंस को हम बोलते हैं क्या? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी।
क्या बोलते हैं भैया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं इसे। अब हमारे यहाँ अलग अलग साइंटिस्टों ने इसी इवोल्यूशन के लिए अलग अलग जो है डिफिनेशन दिए थे, लेकिन हम पहले बात कर लें कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे हमारा टॉपिक है पहला ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहले हम जाने तो कि यूनिवर्स कब बना था, तो हम एक हेडिंग डाल लेंगे कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि सवाल पूछे गए हैं आपसे कि यूनिवर्स कब बना था, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी बने। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कब बना था, तो लगभग हमारे जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं वो 20 बिलियन ईयर एगो बना था। कितने दिन पहले बना था, लगभग 20 बिलियन ईयर एगो। कब बना था भैया, 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर एगो, यानी इतने साल पहले बना था, 20 बिलियन साल पहले बना था हमारा क्या यूनिवर्स। ठीक है, और ये यूनिवर्स है क्या, ये यूनिवर्स है क्या, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है एक क्लस्टर है, गुच्छा है, किसका गुच्छा है, किसका भैया, गैलेक्सीज का। बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारे अर्थ के सबसे पास की गैलेक्सी है उसे हम बोलते हैं क्या, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो देख चुके, इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया है लगभग ये कि हमारे यूनिवर्स की ऑरिजिन कब हुई थी, ये बात जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हाइलाइटर है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंट हाइलाइटर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि चलो इतने दिन पहले हमारा यूनिवर्स बना, तो हम बात करेंगे कि पृथ्वी कब बनी, ऑरिजिन ऑफ अर्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, ऑरिजिन ऑफ अर्थ की, सॉरी बात करेंगे किसकी, ऑरिजिन ऑफ अर्थ की, कि भैया पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, ऑरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो हम बोलते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बना। कब बना भैया, लगभग, जो आने वाले हाइलाइटर पॉइंट्स हैं बस उसी को डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई कब हुई, लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो। कितने दिन पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो, याद रहे। हमने बोला कि जो अब हमारी पृथ्वी बनी थी बिग बैंग के रिजल्ट में, तो पृथ्वी जब बनी थी तो हम बोला करते थे कि हमारी पृथ्वी यानी अर्ली अर्थ जो थी, अर्ली अर्थ क्या थी भैया, हम बोलते थे कि रिड्यूसिंग टाइप थी। क्या थी, रिड्यूसिंग टाइप थी। अभी रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं हम बताएंगे, रिड्यूसिंग टाइप की थी। और रिड्यूसिंग टाइप का होने की वजह से, यानी सीधा सा बोले तो ऑक्सीजन के ना पाए जाने की वजह से, ऑक्सीजन के ना पाए जाने की वजह से जीवन की कोई संभावना नहीं था, जीवन की कोई संभावना। जीवन की कोई संभावना नहीं थी यहां, क्यों भैया, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था। और ऑक्सीजन का रोल आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है, तो ऑक्सीजन था ही नहीं यहां। अब ऑक्सीजन नहीं था तो क्या हुआ, अब हमने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स हुए इसके दौरान। हमने बोला कि बिग बैंग के रिजल्ट में क्या बना, हमारे यहाँ पृथ्वी बनी, तो यहाँ पे कंडीशंस जो थे इतने सुटेबल नहीं थे कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो सके। फिर धीरे धीरे बहुत सारे इवेंट हुए, लाइक
कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन तमाम इवेंट हुए और धीरे धीरे हमारे पृथ्वी जो कि शुरू में जिस पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था, तो डेफिनेट सी बात है जीवन की उत्पत्ति से पहले हमारे पृथ्वी में यानी ऑक्सीडाइजिंग टाइप की हुई होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि ऑक्सीजन जब होगा तभी जीवन पॉसिबल है। तो पहले रिड्यूसिंग टाइप थी, बाद में ऑक्सीडाइजिंग टाइप की हुई होगी, और हुई होगी तभी तो जीवन का विकास शुरू हुआ होगा। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर लें तो बहुत सारे, अब हमने तो पृथ्वी की देख ली कि भैया 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ, जब बना था तो कैसा था, फिर धीरे धीरे क्या क्या चेंजेज हुए। अब ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर लें कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर लें, जीवन की उत्पत्ति की बात कर लें, जीवन की उत्पत्ति की बात कर लें, तो जीवन की उत्पत्ति के लिए अलग 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 शिक्षाविदों का अलग अलग शिक्षाविदों का अलग अलग मत था, अलग अलग मत था, मानना था कि भैया कैसे हुआ है। सब साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग मत दिया, सिद्धांत दिया कि भैया जीवन पृथ्वी पे ऐसे आया। अब थोड़ा थोड़ा सभी मतों के बारे में जानेंगे कि क्या किसने क्या कहा, क्या क्या सोचा जाता था पहले जब हमारे पृथ्वी पे जीवन आया उसके बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट था वो था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहला जो था मत था वैज्ञानिकों का स्पेशल क्रिएशन का था। किसका था? स्पेशल क्रिएशन का था। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के हिसाब से देखें, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके जो सपोर्टर वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि जो पृथ्वी पे जीवन आया है वो खुदा या भगवान के वजह से आया है। अलग अलग माइथोलॉजी यानी अलग अलग जो धर्म हैं इसको अलग अलग तरीके से अपने भगवान को मानते हैं कि भगवान ने ही सृष्टि का निर्माण किया। ठीक है, तो हम मोटा मोटी बातों में लिख लें अगर ज़्यादा ना पढ़ के, कि इस थ्योरी के हिसाब से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। भैया इस थ्योरी का जो सपोर्टर थे वो बोलते थे कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, गॉड ने क्रिएट की है। यानी जो हमारे यहां पृथ्वी पे जीवन आया उसके उत्पत्ति यानी उसके रचयिता यानी उसके सृष्टि के जो क्या है, रचयिता है, वो भगवान है। और भगवान नहीं, अलग अलग माइथोलॉजी ने अलग अलग नेम भी सजेस्ट किए हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको जानना केवल है कि क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, विकास के क्या क्या प्रमाण फिर हमने देखे। लेकिन मानना ये भी था वैज्ञानिकों का कि भैया पृथ्वी बनी अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने क्या किया, इस पे जीवन की शुरुआत की। अपने अपने माइथोलॉजी के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से लोगों ने इसको बताया और इसका सपोर्ट किया। फिर हमारे पास दूसरी थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, क्योंकि नाम ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्या इम्पॉर्टेंट है? नाम। क्या आया दूसरा थ्योरी जो आया उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या स्पोर। इसे हम एक और नाम देते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। बहुत प्यार से समझेंगे, जो भी इस मत यानी जो भी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे उनका मानना था कि पृथ्वी पे जीवन जो है वो स्टार्ट हुआ है पैनस्पर्मिया से, यानी किसी स्पोर से, जो कि पृथ्वी पे नहीं था, किसी एलियन स्पेस से आया है, इनका मानना था। तो इसमें लिख लेंगे मोटा मोटी कि भैया इसका मतलब क्या था। इनका मानना था कि लाइफ जो है, लाइफ किसी दूसरे स्पेस से, लाइफ किसी दूसरे स्पेस से
स्पोर के फॉर्म में, फॉर्म ना लिखे रूप में लिख लें, स्पोर के रूप में, इसी स्पोर को उन्होंने क्या किया, पैनस्पर्मिया बोला। ठीक है, पृथ्वी पे आया। इनका मानना था कि भैया जो हमारे पृथ्वी पे जो जीवन आया है वो बेसिकली स्पोर के रूप में दूसरे किसी स्पेस से आया है, दूसरे किसी जगह से आया है। ठीक है, भगवान ने नहीं बनाया। कुछ लोगों का मानना था कि भगवान ने जीवन बनाया है, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं भैया कोई स्पेस है, वहां से कुछ स्पोर्ट्स आए होंगे, फिर धीरे धीरे हमारे पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हुई होगी। और भी आगे बढ़ा साइंस, और भी लोगों ने अपने अपने मत दिए। इसमें जो तीसरा मत था वो क्या था भैया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तीसरा जो मत था वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। पहले इनसे सवाल पूछे भी जाते थे, लेकिन अब केवल आपको समझने और आपका एक बैकग्राउंड तैयार करने के पर्पस से आप पढ़ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक। कुछ लोगों का मानना था कि जो हमारा जो पृथ्वी पे जीवन है, पृथ्वी पे जो जीवन है वो अचानक से डेवलप हुई है। इनका मानना था कि जो जीवन आया है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, सड़े हुए गंदे पदार्थों से। सिंपल सी बात है, कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। मैं बताता हूँ, आपने शायद पढ़ा भी होगा। कुछ लोगों ने क्या किया, भूसा लिया, भूसा समझते होंगे स्ट्रॉ की जो बची हुई है, भूसा लिया, किसी ने मड लिया और देखा कि उसमें कुछ दिन रखने के बाद, कुछ कंडीशंस क्रिएट करने के बाद, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि काले अंधेरे रूम में पसीने से भीगी हुई वस्त्र रखने से, बताया किसी साइंटिस्ट ने, कि चूहा निकल गया। ऐसे ऐसे मत थे लोगों के, गंदगी थी। फिर गंदगी में धीरे धीरे उन्होंने देखा कि छोटे 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 जीवों की उत्पत्ति होने लगी। तो सबने अपने अपने हिसाब से जो सोचा वो बताया। तो कुछ लोगों का मानना था कि भैया सड़े हुए जो रोटेन मटेरियल होते हैं, मड होता है यानी कीचड़ जो होता है, उससे लाइफ ओरिजिनेट होती है। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो थे वो सपोर्टर थे। लेकिन इनके खिलाफ एक साइंटिस्ट थे जो नाम था लुईस पाश्चर। क्या नाम था, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नाम सुना होगा आपने। लुईस पाश्चर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लुईस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने स्वान नेक शेप का, जैसे पढ़ा होगा आपने कि स्वान नेक शेप का इन्होंने क्या लिया, ऐसा घड़ा लिया, ऐसा एक सुराही लिया जिसका गर्दन कुछ ऐसा था। अभी बुक में आपके डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या रखा, इन्होंने फ्लेश रखा, कुछ भी रखा, और एक पार्ट को क्या किया, इन्होंने आइसोलेट कर दिया, और एक इन्होंने ऐसा घड़ा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो देखा कि एक जगह सेम चीजें दो जगह कल्चर करने पे, जहां पे डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में फ्लेश था वहां पे तो छोटे छोटे जीव आ गए, लेकिन जहां डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं था वहां पे कोई जीव नहीं आया, वहाँ पे कोई माइक्रोब्स नहीं बना। तो लुईस पाश्चर ने बताया कि नहीं भैया, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है आपसे सवाल कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को किसने नकारा था, तो नकारने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुईस पाश्चर। क्या नाम था, लुईस पाश्चर। अब आया हमारा कि भैया धीरे धीरे सभी लोग दे ही रहे थे, तो दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था ओपेरिन। एक नाम सुना होगा आपने, एओ ओपेरिन। तो आया केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी आई। क्या आया भैया, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। कई बार सवाल पूछा गया है, क्या आया, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। कि भैया सब लोग यही अपने अपने हिसाब से बता रहे थे कि भैया पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। तो पहला इनके बारे में हिट यही है कि भैया ये जो केमिकल इवोल्यूशन हम बोल रहे हैं,
ये जो केमिकल इवोल्यूशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये केमिकल इवोल्यूशन बोल रहे हैं, दिया किसने, कई बार सवाल पूछा गया है। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो था वो दिया गया था ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा, गिवन बाई ओपेरिन एंड हेल्डेन, गिवन बाई ओपेरिन एंड हेल्डेन। तीनों इनके इनके केमिकल थ्योरी को जानते हैं कि भैया ये जो ओपेरिन और हेल्डेन ने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया, क्या बोलते हैं इसे, रासायनिक विकास का सिद्धांत, रासायनिक, कई बार पूछा गया आपसे कि रासायनिक विज्ञान का सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, रासायनिक विकास का सिद्धांत। तो रासायनिक विकास का सिद्धांत जो था वो ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था, ठीक है। तीनों ने बताया था कि हमारे पृथ्वी पे जब कंडीशंस फेवरेबल हो गई, इन्होंने बताया था कि जब हमारे पृथ्वी पे जब कंडीशंस फेवरेबल हो गई, यानी कंडीशंस फेवरेबल बोलने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशंस जो जीवन को सपोर्ट करे, ऐसी कंडीशंस जो जीवन को क्या करे, सपोर्ट करे, यानी उसी को कहते हैं क्या, कंडीशंस फेवरेबल। यानी जब पृथ्वी पे, लिख लेते हैं इसको, पृथ्वी पे जीवन को सपोर्ट करने की कंडीशन में, इनके हिसाब से जब सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो गया हमारे पृथ्वी पे जीवन को सपोर्ट करने के लिए, तो धीरे धीरे जो हमारे केमिकल्स थे, धीरे धीरे जो रसायन थे जो कि पृथ्वी पे मौजूद थे, ये केमिकल्स यूनाइट हुए और छोटे छोटे केमिकल्स मिलके, छोटे छोटे केमिकल्स मिलके क्या किए, वो बड़े केमिकल्स बनाए, क्या बनाए, बड़े मॉलिक्यूल बनाए, बड़े मॉलिक्यूल बनाए, या हम बोलते हैं क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ऐसा इन्होंने बताया कि धीरे धीरे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो जीवन का विकास हुआ है वो विकास किसी पर्टिकुलर रसायन की वजह से हुआ है, यानी जब पृथ्वी पे कंडीशंस फेवरेबल हुई तो जो हमारे यहाँ छोटे छोटे अणु थे वो क्या बनाए, परमाणु, ऐसे बन के फिर वो यूनाइट हुए, यूनाइट होने के बाद छोटे कंपाउंड बने, फिर उनके यूनाइट होने के बाद बड़े कंपाउंड बने। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए जो मिलर साहब थे उन्होंने अपना एक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आप अपने एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, क्योंकि जब रासायनिक इवोल्यूशन दिया गया था तो बताया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है पानी में हुई थी, पानी में जो तमाम केमिकल्स थे, तो केमिकल्स थे ही पानी में और बिजली गिरा करती थी, तो उस बिजली गिरने से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल यूनाइट हुए बड़े मॉलिक्यूल, और ऐसे करते करते एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के तहत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जटिल पदार्थ भी बने, और उन जटिल पदार्थों का रिजल्ट क्या है कि हम पृथ्वी पे जीवन को देख पाए। लेकिन उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पानी में हुई थी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का ये मानना था। इसको परफॉर्म करने के लिए या इसको प्रूफ करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली सही बताने के लिए, हमारे यहाँ जो मिलर साहब थे, नाम था मिलर या स्टैनले मिलर बोलते हैं, स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सेम कंडीशंस बनाई, सेम कंडीशंस बनाई, हम बोलते हैं स्टैनले मिलर का स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, स्पार्क प्लग एलिमेंट एक्सपेरिमेंट, स्पार्क प्लग एलिमेंट एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, CH4 लिया, दिख रहा होगा, अमोनिया लिया, मेथेन, CH4 लिया यानी मेथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर वेपर लिया और हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लिया, ये सब गैसेस यहाँ पे रखा इन्होंने और इस पर उसको लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना भैया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशन क्रिएट की। फिर देखा कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड की जब कंडीशन क्रिएट की तो यहाँ कुछ कार्बनिक यौगिक बनने लगे, इस वाले पार्ट में धीरे धीरे कार्बनिक यौगिक बनने लगे। इन्होंने
स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट किया और केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट किया। क्या किया? केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट किया। सवाल आता है कि जो हमारा जो स्टैनले मिलर साहब ने जो स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट किया था उनके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। तीनों ने क्या जो भी ये सेटअप बनाया था, इन्होंने जो भी ये सेटअप बनाया था अपने स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट का, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, देखा। ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन क्या था? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया लगभग एक हफ्ते बाद, लिख लेते हैं, लगभग एक हफ्ते बाद, लगभग एक हफ्ते बाद क्या हुआ, जो सेटअप में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या भैया, तो एमिनो एसिड हो गया, क्या एमिनो एसिड हो गया, बहुत सारे पिगमेंट्स मिले, बहुत सारे क्या मिले, पिगमेंट्स मिले यानी लवक, फैट मिला, ये तमाम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस सेटअप में दिखने स्टार्ट हुए लगभग हफ्ते पर बाद। क्या किया था इन्होंने? नॉर्मली अगर हम सोचें तो इन्होंने लिया क्या था, CH4 यानी मेथेन लिया था, अमोनिया लिया था, अमोनिया के बाद क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था और वाटर वेपर लिया था। इतनी चीज़ें ली थी और क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था और उसमें डिस्चार्ज प्लग एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया था। तो इस सेटअप को लगभग एक हफ्ते बाद उन्हें ऑब्जर्व किया तो देखा कि सेटअप में इन्होंने गैस क्या लिया था, कंपाउंड कौन लिए थे, CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। लेकिन जब एक हफ्ते बाद लगभग उन्होंने देखा कि इन्हीं कंपाउंड से क्या बन गया है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक क्या, एमिनो एसिड बना हुआ दिखाई दिया, पिगमेंट्स दिखाई दिए, बहुत सारे लवक थे सेटअप में, बहुत सारी फैट थी। तो ऐसे इन्होंने बताया कि धीरे धीरे कंडीशंस फेवरेबल हुई और स्पार्कलिंग होता था तो पानी में ही जीवन की उत्पत्ति हुई, इन्होंने बताया। इनका ऑब्जर्वेशन ये था और इससे कंक्लूजन इन्होंने निकाला, स्टैनले मिलर ने अपना कंक्लूजन दिया इसी के बेसिस पे। क्या दिया? कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि एक तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि भैया जो पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति हुई है वो केमिकल से हुआ, केमिकल इवोल्यूशन का एक तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इन्होंने। केमिकल इवोल्यूशन का क्या किया भैया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पे वो केमिकल से ही हुई है और पानी में हुई है। इनके यहाँ कंक्लूजन क्या है इसकी बात हम कर रहे हैं। इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल से हुई है। नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल ने यानी जो सेल नहीं है, इन नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल ने सेलुलर लाइफ की उत्पत्ति की है। और सपोर्ट किया किसको? केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को। किसने? स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट ने अपना स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट किया था उसके तहत इन्होंने क्या किया, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया अलग अलग सीरीज में। थोड़ा याद कर लीजिए शुरू से, हमने बताया कि जो पृथ्वी है, यूनिवर्स को देखें हम तो 20 बिलियन ईयर एगो बना, हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में जिसमें हम विकास को देखेंगे। और विकास है क्या? तो जो भी जीवन है, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि हमारा जीवन या हमारे जो पूर्वज होते थे वो बंदर होते थे और धीरे 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 हम बंदर से इंसान बने, तो ये सतत यानी बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं कि एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और ये होने वाला जो प्रोसेस होता है उस ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। तो इसी एक लाइफ फॉर्म को दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है इसी को विकास कहते हैं। हमने देखा कि जो आर्जिन अर्थ की उत्पत्ति होने के बाद, पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था कि भैया जीवन कैसे आया। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे बेस्ट जो थ्योरी दी गई थी वो किसने दिया था? वो दिया था किसने? बिग बैंग ने। बिग बैंग ने बताया था कि एक महाविस्फोट हुआ था और महाविस्फोट के रिजल्ट में हमारे यहाँ पृथ्वी बनी। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स जो कि 20 बिलियन ईयर
जिसका एज माना जाता है 20 बिलियन ईयर पहले बना था, जो वो क्लस्टर से बना हुआ है, किसके, गैलेक्सीज के, गुच्छों से बना हुआ है गैलेक्सी के। हमारे अर्थ के सबसे पास की गैलेक्सी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे अर्थ के सबसे पास की गैलेक्सी। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए अपने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, अपने सुझाव दिए कि भैया जीवन कैसे आया पृथ्वी पे। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था, कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि भैया जो पृथ्वी है उस पे जीवन किसी स्पेशल फोर्स, जैसे मान लीजिए हमारे गॉड ने या हमारे भगवान ने पृथ्वी पे सृष्टि की रचना की, तो उसे नाम दिया गया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कुछ लोग इसके सपोर्टर थे, उनका मानना यही था कि भगवान ने या खुदा ने सृष्टि की रचना की है। अपने अपने माइथोलॉजी, अपने अपने धर्म के हिसाब से सबके अपने मत थे। क्लियर। फिर आया हमारा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कुछ लोगों का मानना था कि जो जीवन है वो कीचड़ से या गंदे पदार्थों से उसकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखे, तमाम चीज़ें दिखाई कि सड़े हुए भूसे या मड से, कीचड़ से लाइफ को दिखाया उन्होंने, ठीक है। इसके लिए लुईस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। फिर धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, केमिकल इवोल्यूशन की बारी आई, तो एओपेरिन और हेल्डन ने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुआ है, केमिकल से हुआ है, और कहाँ हुआ है, तो पानी में हुआ। उन्होंने बताया कि जब कंडीशंस अर्थ पे फेवरेबल होने लगी, सपोर्टिंग होने लगी, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जो केमिकल्स थे यूनाइट हुए और कॉम्प्लेक्स केमिकल बनाए। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोले तो, कॉम्प्लेक्स केमिकल बोले तो, लाइक छोटे छोटे केमिकल्स यूनाइट होके अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, तमाम चीज़ों का क्या किए, निर्माण किए, और इसी के फलस्वरूप हमारे अंदर जीवन आया। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने, स्टेल ने, मिलर ने, अपने स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने क्या किया, CH4 लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया और वाटर वेपर लिया, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या किया, अप्लाई किया। कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा कि इन कंपाउंड्स को जिन्होंने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको उसमें कुछ अमीनो एसिड मिले सेटअप में, कुछ फैट्स मिली, कुछ पिगमेंट्स भी मिले। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि हाँ भैया, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो केमिकल्स से ही हुई है, यानी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो नॉन सेलुलर कंपोनेंट से हुई है। किससे हुई है, नॉन सेलुलर कंपोनेंट से हुई है, यानी जो सेलुलर फॉर्म देख रहे हैं आज हम लाइफ का, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसकी फॉलो करें। तो इन्होंने बताया था कि केमिकल्स के वजह से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, और जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई है, ये बात तो हम देख ही रहे थे। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म था, ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म था लाइफ का, फर्स्ट फॉर्म जो था लाइफ का वो क्या था, नॉन सेलुलर था, यानी लाइफ की उत्पत्ति पहले नॉन सेलुलर फॉर्म में हुआ। अब सोचोगे भैया कि नॉन सेलुलर फॉर्म क्या होता है, तो हमने बताया अभी देखा भी कि नॉन सेलुलर कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्या बने, एमिनो एसिड्स बने, न्यूक्लिक एसिड्स बने, लाइक RNA बना, DNA बना, प्रोटीन बने, और फिर इन्हीं मॉलिक्यूल से, इन्हीं नॉन सेलुलर कंपोनेंट से क्या बना, हमारा सेलुलर कंपोनेंट बना। क्या बना, हमारा सेलुलर कंपोनेंट बना, यानी हमारा जो पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म में हुई है। तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर जो फॉर्म है वो लगभग 3000 मिलियन ईयर एगो आया। फर्स्ट जो नॉन सेलुलर फॉर्म था लाइफ पे 3000 मिलियन ईयर एगो अपीयर हुआ, समझिएगा। और जो सेलुलर यानी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया, कई बार सवाल पूछा गया है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट आया 2000 मिलियन ईयर एगो। कितने दिनों बाद, आप सोचिए कि कितना ग्रेजुअल हो रहा है प्रोसेस। अगर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो है पृथ्वी पे अपीयर हुआ कब, 3 बिलियन ईयर एगो, और नॉन सेलुलर को सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगे, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टाइम, 2 बिलियन ईयर लगा टाइम उसमें, कितना लगा, 2 बिलियन ईयर लगे। हम बिलियन में ही लिख लेते हैं, किस में लिख लेते हैं, बिलियन ईयर में ही लिख लेते हैं। यहाँ लगा 3 बिलियन ईयर और यहाँ लगा 2 बिलियन ईयर, यानी 1 बिलियन ईयर लग गया केवल नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने।
अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एविडेंसेस दिए, अपने अपने प्रूफ दिए कि भैया पृथ्वी पर उत्पत्ति ऐसे हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है, इन चीज़ों से हुई है। इसी में तो हम बात करें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रमाण की बात करें, विकास के प्रमाण अगर हम देखें, विकास के प्रमाण की बात करें, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग प्रमाण भैया प्रस्तुत किए कि भैया हमारे यहाँ विकास ऐसे हुआ है, इवोल्यूशन ऐसे हुआ है। इसी एक प्रमाण में जो हमारे यहाँ है वो है पैलियंटोलॉजी, एविडेंसेस फ्रॉम, या हम बोल सकते हैं पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस, अब इसका मतलब क्या हुआ, पैलियंटोलॉजी मतलब क्या हुआ भैया? पैलियंटोलॉजी साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम फसिल्स का अध्ययन करते हैं। किसके अध्ययन करते हैं? पैलियंटोलॉजी क्या होता है, साइंस का वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम फसिल्स की स्टडी करते हैं, फसिल्स की स्टडी करते हैं। अब बात आई भैया जहन में कि भैया फसिल्स क्या होते हैं, क्या भैया फसिल्स क्या होते हैं? तो हमारे पृथ्वी पे कोई ऑर्गेनिज्म था, इसकी कोई, इसका कोई चिन्ह यानी कोई मार्क हो, या उसका कोई डेड रिमनेंट हो, कोई भी पार्ट शरीर का जो बचा हुआ हो, कहीं मिला हो, तो हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं फसिल बोलते हैं। और इसी की स्टडी का जो साइंस है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलियंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियंटोलॉजी बोलते हैं उसी को। तो पैलियंटो फसिल्स क्या होता है, रिमेंस एंड रिमेंस बोल दें, रिमेंस एंड इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, हिंदी में भी लिखना चाहे इसे तो लिख सकते हैं पुराने ऑर्गेनिज्म का बचा हुआ कोई हिस्सा या चिन्ह, कुछ भी, कोई भी चिन्ह, कोई भी मार्क, इम्प्रेशन ऐसा हो जो बताए कि भैया पास्ट में वाला ऑर्गेनिज्म क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। तो अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच को साइंस का हम बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने पैलियंटोलॉजिकल इवेंट भी दिए कि भैया ये वजह है, ये वजह है, तमाम लोगों ने अपने अपने वजहें प्रस्तुत की, जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल सुना होगा पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस में, आर्कियोप्टेरिक्स का दो चीजों का जिक्र होगा। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक होता है, क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। अब बात आपके में सवाल आएगा कि भैया कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो किन्हीं दो वर्ग के बीच के लक्षण रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या भैया, कनेक्टिंग लिंक। ऐसे जीव को हम बोलते हैं, उस दो वर्ग के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स सुना होगा आपने, आर्कियोप्टेरिक्स हम बोलते हैं कि कनेक्टिंग लिंक होता है, किसके बीच में, ये होता है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। कुछ लोगों ने अपने पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी दिए, बताया कि भैया आर्कियोप्टेरिक्स दोनों के कैरेक्टर पसेस करता था, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का, तो इसे हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रमाण दिया गया, लाइक कौन सा, एक तो आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, दूसरा अवशेषी अंग,
नाम सुना होगा आपने, अवशेषी अंग। क्या भैया अवशेषी अंग किसे कहते हैं? वेस्टिजियल आर्गन जिसे हम बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल आर्गन। अबे वेस्टिजियल आर्गन क्या है? वेस्टिजियल आर्गन होते क्या हैं? तो भैया ऐसे आर्गन जिनका हम कम इस्तेमाल कर रहे हो, जिनका कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ भी कम होगी। जिसको हम फंक्शनली रिड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गन को अपने शरीर में, तो वो स्ट्रक्चरली भी रिड्यूस होना शुरू हो जाए। और ऐसा नहीं कि आज हमने फंक्शन नहीं लिया तो कल छोटा हो जाएगा, एक सतत बहुत ज़्यादा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा उसके बाद। अगर आप देखें तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं यानी जो मांसाहारी होते हैं, उनके कैनाइंस बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर इंसान ने क्या किया, मांस को पका के खाने की शुरुआत की। पका के खाने की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन के बच्चों में जो कैनाइन होता है उतना प्रोमिनेंट तो नहीं दिखाई देता, यानी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक जनरेशन में चेंज दिखाई दे रहा है। तो वैसे हमने बहुत सारे अवशेषी अंग पढ़े हैं। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो जैसे अवशेषी अंग के रूप में हमने किसको पढ़ा है? विजडम टीथ पढ़ा है, आठवां दांत जो होता है जिसे अक्ल दांत कहते हैं, विजडम टीथ पढ़ा होगा आपने। फिर क्या पढ़ा होगा? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा होगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा होगा। फिर पढ़ा होगा ईयर मसल यानी पिन्ना की बात करें, हमारे यहाँ के वेस्टिजियल आर्गन बता रहे हैं अभी हम, ईयर मसल यानी ईयर पिन्ना सुना होगा आपने। तो ऐसे ऐसे वेस्टिजियल आर्गन के बारे में भी बताया गया कि हमारे यहाँ पूर्वज में था, हमारे यहाँ यूज नहीं किया हमने, धीरे 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 क्या हो गया, उनमें विकार होने लगा स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। तो ऐसे कुछ लोगों ने अपना क्या दिया, मत दिया और पेलिंटोलॉजिकल एविडेंस को क्या किया, प्रूफ किया। अब दूसरी बारी आई मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग जो एविडेंस दिए थे उसमें कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी का एविडेंस दिया गया, एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी से भी एविडेंस दिया गया। अब इसका मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहरी संरचना से, कंपेयर करना बाहरी संरचना से, कंपेयर करने की बात हो रही है, कंपेरेटिव एनालिसिस की बात हो रही है, कंपेरेटिव एनालिसिस की। तो इसमें हम बात करते हैं, एक टर्म आएगा फाइलोजेनी, नाम सुना होगा, क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। अब फाइलोजेनी क्या होता है? तो अगर हम एंसेस्टर्स की स्टडी करें यानी पूर्वजों की अध्ययन करें, एंसेस्टर की स्टडी अगर करें, अगर हम अपने पूर्वजों की अध्ययन करें, पूर्वजों के बारे में अध्ययन करें, तो साइंस की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। कोई भी चीज़, जैसे हम कोई कैरेक्टर देखते हैं कि पिता से सन में आया, पिता से डॉटर में आया, तो हम फाइलोजेनी देखते हैं उसका, कि हम अपने जस्ट पूर्वज या पूर्वजों में क्या कैरेक्टर प्रेजेंट थे उसके बारे में जब हम बात कर रहे हो, तो साइंस के उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं भैया? फाइलोजेनी बोलते हैं। अब फाइलोजेनी के आधार पे कुछ साइंटिस्टों ने एविडेंस देने प्रस्तुत किए कि भैया फाइलोजेनेटिकली भी हम देख सकते हैं कि हमारा विकास कैसे हुआ है। इसके दो बहुत सिंपल एग्जांपल हैं जो बहुत बार पूछे गए। फाइलोजेनेटिकल जो एविडेंस था इवोल्यूशन का, उसमें दो चीज़ें थी कि पूर्वजों का अगर अध्ययन करें तो हमें दो तरह के अंग दिखेंगे, होमोलॉगस और एनालॉगस। बहुत बार पूछा गया है आपसे, होमोलॉगस और एनालॉगस आर्गन की बात हुई, होमोलॉगस और एनालॉगस आर्गन की बात हुई कि होमोलॉगस क्या होता है और एनालॉगस क्या होता है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स में देखें तो बहुत सारे अंग हमें होमोलॉगस ऐसे की बात की गई और इवोल्यूशन को प्रूफ दिया गया, तो हम जानेंगे कि भैया होमोलॉगस आर्गन क्या होता है और एनालॉगस आर्गन क्या होता है और किस तरह का इवोल्यूशन शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला होमोलॉगस, होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस में जो होमोटर्म है, जो होमोटर्म है इसका मतलब होता है समान, होमो मतलब होता है क्या? समान, लॉगस मतलब होता है लोकेशन, स्थान, इसी से समझिएगा। होमोलॉगस आर्गन कहने का सीधा सा मतलब है कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो, उत्पत्ति में जो समान जगह से उनकी उत्पत्ति हुई हो, ऑरिजिन सेम हो,
बट वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान परंतु कार्य अलग अलग करते हो। तो उस अंग को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। जैसे मान लीजिए इसको नॉर्मली समझना हो तो किसी चीज की उत्पत्ति यहीं से हुई, वही भी दो ऑर्गन जो हम कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजें जो हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनकी ओरिजिन इस पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट से इनका विकास होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ से जो अंग बना कोई यहाँ ये वाला काम कर रहा है और कोई ऐसा काम कर रहा है। जैसे कहीं कहीं पे फोर विंग्स देखेंगे आप, आगे वाले पैर देखिएगा तो कहीं पंख बन गया और कहीं चलने के लिए पैर बन गया, ठीक है। तो उत्पत्ति तो समान है, जैसे हमको देखिए, हम लोग को देखिए, हमारे यहाँ हाथ हो गया, अब जो कैटल्स हैं हमारे यहाँ उनके पैर ही बने हुए आगे वाले फोर लिम, उत्पत्ति में समान है लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे हैं। तो ऐसे अंग को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। और ऐसा जब कहीं होता है कि सेम उत्पत्ति का अंग अलग अलग काम करना परफॉर्म कर दे तो ये किसको करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। किसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। कि अगर दो समान उत्पत्ति या ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान है लेकिन वो अलग अलग कार्य के लिए क्या है, मॉडिफाई हो गए हैं, तो ऐसे अंग हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या था, कन्वर्ज क्या था, एनालॉगस। क्या मतलब, एनालॉगस, होमोलॉगस और एनालॉगस मतलब समझ लेंगे। एनालॉगस में क्या होते हैं, ऐसे अंग जो उत्पत्ति में, ऐसे अंग जो उत्पत्ति में असमान, उत्पत्ति में असमान यानी इनका ओरिजिन सेम ना हो, उत्पत्ति में असमान परंतु कार्य समान करते हैं। उत्पत्ति में तो असमान थे लेकिन जो कार्य करते हैं वो समान होता है। तो ऐसे अंग को हम बोलते क्या है भैया, ऐसे अंग को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। ऐसे अंग को क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझिएगा कि मान लीजिए इनके कहने का मतलब है कि ओरिजिन अलग थी, कोई यहां से ओरिजिनेट हुआ, कोई यहां से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया इनमें, इन लोगों ने सेम कार्य एडॉप्ट कर लिया। समझिएगा, यानी जो एनालॉगस जो हमारे पास अंग हैं वो इंडिकेट करते हैं हमें किसकी तरफ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। केवल टर्म्स को समझिए, एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यानी दो ऐसे अंग जो उत्पत्ति में तो अलग अलग थे, उत्पत्ति में क्या थे भैया, अलग अलग थे लेकिन कार्य समान करने लगे। तो ऐसा कहीं दिखेगा तो इंडिकेट कर रहा होगा भैया कहाँ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। ये तो फाइलोजेनी से था कि भैया पूर्वज में यहाँ पे ये वाला काम करता था या इसकी उत्पत्ति ये थी, बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज किया है या दो अलग लोगों ने सेम रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर रास्ता चेंज किया है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अगर दो लोगों ने सेम रास्ता इख्तियार किया है तो धीरे धीरे आते आते एक सेम दो अलग अलग उत्पत्ति के अंग एक समान कार्य करने लगेंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये तो फाइलोजेनिक क्या हुआ, एविडेंस हुआ। अब हमारे पास बायोकेमिकल एविडेंसेस भी है, बायोकेमिकल एविडेंसेस। अब बायोकेमिकल का मतलब समझ रहे होंगे कि बायोकेमिकल एविडेंस किसे कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं। तो बताया गया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि अगर हम देखें तो बहुत बायोकेमिकल यानी जैव अणु क्या है, बायोकेमिकल किसे हम बोल रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल बोले तो जैव अणु और बायोकेमिकल बने तो जैव रसायन की बात करें। तो साइंटिस्टों ने बताया कि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर,
तो उनमें एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो लगभग समान तरह के होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स लगभग समान तरीके के हैं, और जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हम बोलते हैं हमेशा कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है। जैसे अपने यहाँ की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो हमारे यहाँ अगर याद होगा आपको तो हमारे यहाँ ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे यहाँ ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है भैया, अग्नाशय से। और वो करता क्या है, ट्रिप्सिन क्या करता है देखा होगा आपने, प्रोटीन को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पे ट्रिप्सिन पाया जाता है और वो ट्रिप्सिन हम उनके यहाँ भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो दिखा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, और भी बहुत सारे बायोकेमिकल एविडेंसेस में, लाइक क्रोमोसोम की बात कर लें कि भैया हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये काम किस तरह करता है, तो क्रोमोसोम हमारा क्या करता है, इन्फॉर्मेशंस को हम बोलते हैं कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का काम करता है, यानी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमारे यहाँ क्रोमोसोम के यहाँ स्टोर है। तो चाहे किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें कि अगर इनके यहाँ क्रोमोसोम होगा तो ये बना होगा हमारे यहाँ डीएनए और स्टोन प्रोटीन से, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, और हर ऑर्गेनिज्म में लगभग क्रोमोसोम होता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास होते हैं। अब किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में कुछ कम, लेकिन कंपोनेंट तो यही है केमिकल। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस भी दिए गए, और भी बहुत सारे एविडेंसेस की बात कर लें, जैसे क्रोमोसोम हो गया, जेनेटिक कोड हो गया। जेनेटिक कोड पढ़ा होगा आपने अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक कोड की बात कर लें, देखा होगा हमारे यहाँ जो एमिनो एसिड होता है उसके जेनेटिक कोड होते हैं, जैसे AUG मेथियोनिन हम बोलते हैं। तो अगर AUG है तो हमारे में है या किसी अदर ऑर्गेनिज्म में है, वो कोड सेम एमिनो एसिड के लिए बना होता है, सेम होता है। इसलिए बायोकेमिकल एविडेंसेस भी दी गई कि लगभग जो हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, वहाँ पे भी ये पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, एंसेस्ट्री को दिखाया गया यहाँ पे। फिर हमारे पास आया बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, नेक्स्ट कर लें, बायोजियोग्राफिकल, हम हर पहलू पे बात कर रहे हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें एडॉप्टिव रेडिएशन का, नाम सुना होगा आपने एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन का नाम सुना होगा, हम केवल समझाना चाहते हैं आपको कि आपकी एक समझ डेवलप हो जाए, बोर ना हो चैप्टर में। एडॉप्टिव रेडिएशन होता क्या है भैया, तो एडॉप्टिव रेडिएशन जब भी हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए यहाँ एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसका अभी तक ये ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर इलाके में रहता है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम कहीं दूसरे इलाके में इंटर कराएं, जैसे मान लीजिए ये इलाका हो गया बी, अब इस ए वाले को इस बी वाले इलाके में हम शिफ्ट कर दें, इस ए वाले को इस बी वाले इलाके में अगर हम शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका एनवायरमेंटल कंडीशन था, जो चीज़ें थी, जैसे वो रहता था, ये दोनों सेम अगर ना हो तो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, यानी यहाँ पे जिंदा रहने के लिए, इसको कुछ ना कुछ इस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यस या नो करना पड़ेगा। तो एडॉप्टिव रेडिएशन होता कब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी नए एरिया में जाता है, यानी जियोग्राफिकली क्या किया, उसे आइसोलेट किया जाए तो क्या होगा, इसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा और देखा होगा डार्विन फिंचेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा होगा कि गैलापागोस आइलैंड पे बताया था डार्विन ने, डार्विन फिंचेज, गैलापागोस आइलैंड पे जब HMS बीगल से वो गए थे तो उन्होंने देखा था कि जो चिड़ियाएं हैं वहाँ पे, वो कहीं और की थी, लेकिन उनके फीडिंग यानी सीड फीडिंग हैबिट के हिसाब से, देखिएगा कि अगर हम डायग्राम देखें तो सीड फीडिंग के हिसाब से कि किस सीड को किसको खाती हैं उसके हिसाब से क्या है, उनके अलग अलग चोंच के आकार थे, देखिए
कि कौन सा सीड़े खाती हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके चोंच के आकार थे। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, डार्विन फिंचेज, गैलापागोस आइसलैंड पे। तो अनुकूली विकिरण यही एडाप्टिव रेडिएशन है। क्या है भैया, यही एडाप्टिव रेडिएशन है। क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन है यही, कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दें तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए जो भी कैरेक्टर्स वो डेवलप करेगा अपने अंदर नए, वो एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हैं। और इसको प्रूव करने के लिए क्या किया था डार्विन ने, डार्विन फिंचेज का एग्जांपल दिया था, और भी एग्जांपल दिया था लाइक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, सुना होगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में सुना होगा। तो और क्या सुना होगा, प्लेसेंटल एनिमल्स के बारे में सुना होगा। प्लेसेंटल एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सुना होगा। प्लेसेंटल एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ए थे एग्जाम्पल किसके, एडाप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण का, कि अगर हम ज्योग्राफिकली किसी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर दें कि यहाँ का नहीं है ऑर्गेनिज्म, फिर हम कहीं दूसरे जगह उसे ले जाए तो वहाँ पे वो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अपने आप को बेटर एडॉप्ट करेगा। ये बातें आई कहाँ से, कि जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं इवोल्यूशन की, जब भी हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जिक्र करते हैं, ठीक है, जब भी हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जिक्र करें तो हमारे यहाँ दो नाम बहुत चर्चित हैं, थोड़ा जान लें, थोड़ा दोनों के बारे में जान लें। अगर हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें कि ये कहाँ से बात आई, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ दो लोगों ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी लगभग, इसके बारे में दोनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक का नाम था लैमार्क और दूसरे का नाम था डार्विन। बहुत ध्यान से पहले समझ लेंगे क्योंकि दिया तो है नहीं आपके यहाँ, लेकिन फिर भी कनेक्ट हो जाएंगे इसे। लैमार्क और डार्विन का नाम सुना होगा। लैमार्क ने अपने यहाँ एग्जाम्पल लिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जिराफ का, याद होगा, छोटी कक्षाओं में पहुँचेंगे तो जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। और लैमार्क ने बताया था कि जैसे जैसे आर्गन को हम यूज और मिसयूज करते हैं उसके हिसाब से उनका ग्रोथ होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, यही सिद्धांत था इनका, सिद्धांत ये था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। और इन्होंने इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए अपना जो प्रूफ दिया था उसमें बताया था कि जो जिराफ होते थे पहले उनकी गर्दन छोटी होती थी, तो छोटी गर्दन थी तो पत्तियाँ ये खाते थे, पौधों की जो प्लांट्स की पत्तियाँ ये खाते हैं जिराफ, तो धीरे धीरे जब छोटी गर्दन थी नीचे की पत्तियाँ खा लेते थे तो ऊपर की पत्ती को अप्रोच करने के लिए अपने गर्दन को धीरे धीरे ऐसे प्रेस करते थे और इस प्रक्रिया की वजह से इनकी गर्दन बढ़ गई। ऐसा बताया किसने, लैमार्क। डार्विन ने अपना अलग सिद्धांत दिया, भैया बताया इन्होंने कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेस हो तो सिंपल सी बात है उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट शो करना पड़ेगा, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए हम डार्विन फिंचेज की ही बात कर रहे थे कि एडाप्टिव रेडिएशन है, यानी एक किसी नए स्पीसीज को हम किसी दूसरे इलाके में ले जाएं और जिस इलाके में ले जाएं अगर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो खुद को एडॉप्ट ना करे तो क्या वो सर्वाइव करेगी उस नए इलाके में, नहीं करेगी। यानी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट शो करना पड़ेगा, और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट यानी जहाँ पे हम जिस एनवायरनमेंट में हम हमारा ग्रोथ हो रहा है, जिस एनवायरनमेंट में हमें रहना है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर हम अपने शरीर में कोई चेंजेज लाते इसके हिसाब से हम कोई चेंजेज लाते हैं अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो धीरे धीरे जनसंख्या धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और इनका जो बेसिस था वो क्या था, नेचुरल सेलेक्शन, नेचर उसे सेलेक्ट करेगी और ऐसे ही लोग जो एडॉप्ट कर लेंगे वो सर्वाइव करेंगे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। एक मोटा मोटी हमने बताया कि इन दोनों की बातें आपको याद होंगी, डार्विन की बात हो याद होगी हमारा नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की, और लैमार्क की बात होगी यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। अब इसी में चले हम तो आपने कहीं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म सुना होगा, ये भी बात बता देते हैं, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म सुना होगा। क्या भैया, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, अब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है क्या, क्या है भैया इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है क्या,
आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो बात आती है मौत की। बात आती है किसकी? मौत की आती है। मौत क्या है? तो भैया लंदन में देखा गया। कहाँ पे भैया? लंदन में। लंदन में देखा गया था कि जब इंडस्ट्रीज कम थी वहाँ, जब कल कारखाने वहाँ कम थे, तो हमारे यहाँ जो मौत होते थे लंदन में वो वाइट कलर के ज़्यादा मौत पाए जाते थे, ठीक है। और प्लांट्स जो थे वहाँ पे, प्लांट्स पे लाइकेंस थे जिनका कलर सफ़ेद था, मौत भी हमारे सफ़ेद हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो डस्ट पार्टिकल थे, तमाम कचरे थे, वो क्या हुए, प्लांट्स के जो स्टेम है, तने हैं, उस पर लगने लगे। धीरे धीरे हमारे यहाँ जब डस्ट पार्टिकल और तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, कलर में चेंज देख रहे होंगे, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो प्लांट है उसके कलर में चेंज देखिए, उसके कलर में चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो धीरे धीरे जो हमारे वाइट माउथ थे वो डार्क होने लगे, दिख रहा होगा डायग्रामेटिकली। तो श्वेत पंखों और काले पंखों वाले सलभोग के वृक्ष के तने पर चित्र दिया हुआ है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है? जब इंडस्ट्री नहीं है, जब इंडस्ट्री नहीं है और प्रदूषित क्षेत्रों में, दिख रहा होगा, यस या नो, दिख रहा है। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म भी क्या है? इसका एग्जांपल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म भी क्या है? इसका एग्जांपल है। ये तमाम चीजें जो हमने देखी, ये तमाम चीजें हमने देखी कि विकिरण क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स देखा, तस्मीनियाई भेड़ देखा, बाघ बिल्ली देखा, पारित चिटिकोर देखा, शिशुधानी चूहा देखा, ये तमाम जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये किसके हैं? शिशुधानी विकिरण के, ठीक है। इसी तरह से जब हमने होमोलोगस और एनालोगस आपको बताया था, तो होमोलोगस और एनालोगस में प्लांट और किसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। समझात अंगों के उदाहरण देखें तो भैया बोगनविलिया और कुकुरबिटा का देख रहा होगा, कांटा और प्रतान। मानव देख रहेंगे हाथ, चीता का फोर लिम, वेल का फोर लिम और चमगादड़ का फोर लिम। ऑरिजिन वाइज सेम है, ऑरिजिन वाइज, उत्पत्ति वाइज क्या है, सेम है, काम अलग अलग करते हैं, इसलिए होमोलोगस बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं भैया? होमोलोगस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे आएगी बात कि इसके आगे हम पढ़ें, इसके आगे हम पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन सा रूल आएगा, एक और सिद्धांत आएगा हमारे यहाँ, और सिद्धांत किसका है, जिसका नाम है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में हार्डी वीनबर्ग साहब क्या बताना चाह रहे थे हमें। तो हम डालेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, सिद्धांत देखेंगे इनका कि हार्डी वीनबर्ग का क्या सिद्धांत था या क्या बताना चाहते थे। इन्होंने बताया था कि अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें थोड़ा समझ लेंगे। इन्होंने बताया था कि, इन्होंने बताना क्या चाहता कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करें, इस पॉपुलेशन की बात करें, तो अगर इसमें इवोल्यूशनरी फोर्सेस ना अप्लाई हो, अभी हम देखेंगे इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन कौन से हैं, अगर इसमें कोई इवोल्यूशनरी फोर्स ना काम करे तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो जीन की फ्रिक्वेंसी होगी वो कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। देखें क्या क्या बोलना चाह रहे थे, इनका नियम लिख लें कि अगर अगर इवोल्यूशनरी फोर्सेस ना हो तो किसी पॉपुलेशन जब हम बोल रहे हैं तो सीधा सा बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन एरिया, किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब समझिएगा, अगर इवोल्यूशनरी फोर्स ना अप्लाई हो, अभी हम देखेंगे इवोल्यूशनरी फोर्स क्या होता है। तो कुल मिलाकर कि इनके कहने का मतलब है कि अगर इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लगेगा और हम किसी पॉपुलेशन को देखेंगे तो वहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी लगभग सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम देख रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन में लंबे तरह के लोग हैं, ये तो प्योर टॉल हो गया, आपके ही भाषा में बात कर ले तो, कुछ लोग हाइब्रिड टॉल होंगे और कुछ लोग छोटे होंगे, ऐसी बात कर रहे हैं हम। तीन ही इंडिविजुअल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने, हमने ले लिया
बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है, कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, आउटकम्स कितना है, 6, 3/6 यानी 1/2। स्मॉल टी की देखना चाहें तो भैया स्मॉल टी कहाँ, 1, 2, 3, टोटल कितना है, 6, 1/2। ऐसा तो है, जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इनके कहने का मतलब ये था। अब इसमें इवोल्यूशनरी फोर्सेस अगर काम ना करें तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था P+Q, इनके कहने का मतलब था कि ये कांस्टेंट रहेगा। इन्होंने बताया था P² + 2PQ + Q² = 1, जहाँ पे P क्या था, P होमोजाइगस, Q ए डोमिनेंट, रिसेसिव और ए हाइब्रिड, ये वाला फार्मूला दिया था इन्होंने, किसने, हार्डी वीनबर्ग साहब ने जब ये बताया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में कौन कौन से फोर्सेस हैं जो किसी पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेंगे, किसी पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो पहला इवोल्यूशनरी जो फोर्स है क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत मोटा मोटी जानेंगे किसको, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तो हम बोलते हैं कि रेंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं भैया, रेंडम चेंज हो जाए जीन फ्रीक्वेंसी में, रेंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन के फ्रीक्वेंसी में जो रेंडम चेंज हो जाए, इसे हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होने लगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। फिर क्या है भैया, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कहते हैं इसे, जीन फ्लो। अब जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह लाया गया हो, ट्रांसपोर्ट कराया गया हो। पहला तो हमारा जेनेटिक ट्रिप था, हमारा फोर्स, दूसरा हमारा जेनेटिक जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो है। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो में क्या होता है, तो हम बोलते हैं, लिख देते हैं, मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे, किसी एक पॉपुलेशन को अगर किसी दूसरे पॉपुलेशन में शिफ्ट कर दे, किसी दूसरे पॉपुलेशन में क्या कर दे भैया, शिफ्ट कर दे, तो माइग्रेट हो गया एक जगह से, तो माइग्रेट हो गया तो भैया वहां का तो जीन, जो एलील जो फ्रीक्वेंसी थी, जीन की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो तो चेंज कर ही देंगे। तो जेनेटिक माइग्रेशन हो जाए या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए या क्या हो जाए, जहाँ पे भी हम बात कर रहे थे जिस पॉपुलेशन के एलील फ्रीक्वेंसी को, जीन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने की, मान लीजिए वहाँ कोई म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन का मतलब समझते ही होंगे, सडन चेंज इन जीन पैटर्न, जीन के पैटर्न में कोई सडन चेंज आ जाए जीन के पैटर्न में कोई सडन चेंज आ जाए तो हम उसे कहते हैं क्या, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन ना हो तब भी हम क्या करेंगे, तब भी उस पॉपुलेशन की जीन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। फिर कौन सा इवोल्यूशनरी फोर्स है, तो म्यूटेशन ना हो तो फिर म्यूटेशन ना हो फिर क्या हो भैया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो कोई नया कॉम्बिनेशन ना तैयार हो जाए जीन का। फिर कौन सा फैक्टर हो सकता है भैया, नेचुरल सेलेक्शन ना हो। ये पांच जो है इवोल्यूशनरी फोर्स जो है, किसने बताया था हार्डी वीनबर्ग ने बताया था कि अगर ये पांच इवोल्यूशनरी फोर्स ना अप्लाई किए जाएं किसी एरिया के पॉपुलेशन पे पांच इवोल्यूशनरी फोर्स जो हैं वो अप्लाई ना किए जाएं, तो उस पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब बात आई नेचुरल सेलेक्शन की, जब बात आई तो दो बातें हम ध्यान देंगे नेचुरल सेलेक्शन वाले पार्ट में। नेचुरल सेलेक्शन वाले पार्ट में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो नेचुरल सेलेक्शन होता है उसके तीन क्या होते हैं, तीन तरह से होता है।
पढ़ा होगा आपने, डायरेक्शनल डिसरप्टिव और स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है हमने बताया था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, डार्विन के हिसाब से हमने जिक्र किया था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का, मतलब किसी भी अगर पॉपुलेशन में हम रह रहे हैं तो अगर उस पॉपुलेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस पॉपुलेशन में या उस इन्वायरमेंट में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और उस लिमिटेड रिसोर्सेज का दोहन वही कर सकता हो जो फिट होगा, यानी जो फिट होने के कंडीशन में हम बोलते हैं कि नेचर में वही सर्वाइव करते हैं, हम बोलते हैं कि उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन किसी पर्टिकुलर ट्रेट को यानी लक्षण को ज़्यादा प्रमोट करता होगा, किसी को कम प्रमोट करता होगा और कहीं कहीं कोई बैलेंस होगा। तो अगर हम देखते हैं जैसे प्राकृतिक वर्ण द्वारा पसंद फोनोटाइप की बात करें, मध्यम साइज के फ्लीट की बात करें पसंद किए जाएँ, तो ये हमारा दिखाता है क्या डायरेक्शनल, क्या दिखाता है डायरेक्शनल, ये दिखाता है हमारा डिस्ट्रप्टिव और ये दिखाता है हमारा क्या स्टेबलाइजिंग। किसी पर्टिकुलर ट्रेड को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाए, सिंपल सी बात है समझिएगा इसको, अगर हम नॉर्मली समझना चाहें जैसे हम बोलें इसको हम कैसे समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कोई इलाका है, यहाँ समझते हैं कोई इलाका है जहाँ हम बोलते हैं कि 1 किलो से लेके 10 या 20 किलो के आलू होते हैं, 1 किलो से लेके 20 केजी तक के आलू होते हैं, एक ही आलू का वजन है, 1 किलो से लेके 20 किलो तक के आलू हो रहे हैं, समझिएगा हम बोल रहे हैं कोई इलाका है जहाँ 1 किलो से लेके 20 किलो तक के एक ही सिंगल आलू का वजन है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम 100 आलू अगर ऐसे हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 1 किलो वाला आलू जो है लगभग 15 है, 5 से 10 किलो जो वजन रखते हैं कम से कम ऐसे आलू 50 हैं, और जिनका वजन 20 किलो है लगभग ऐसे 10-15 आलू है। तो यानी 5 से 10 किलो वजन को प्रमोट ज़्यादा कर रहा है, ऐसे देखेंगे किसी पर्टिकुलर ट्रेड का नंबर ज़्यादा है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर ट्रेड का नंबर ज़्यादा है और बाकी देखिए इनका नंबर कम, इनका भी नंबर कम, तो हम बोलते हैं ऐसे कर्व हमें मिलेगा किसी पर्टिकुलर ट्रेड का प्रमोशन हो रहा हो। तो हम तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र करते हैं, डायरेक्शनल डिसरप्टिव और सिलेक्टिव स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन। अब हम बात कर लें थोड़ा इवोल्यूशन इन एनिमल्स की बात कर लें कि एनिमल कब इवॉल्व हुए और सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है इवोल्यूशन इन एनिमल्स, जो आपसे सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली हम उसी का जिक्र करेंगे। एनिमल्स के इवोल्यूशन की जब बात की गई तो सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट का जिक्र किया गया, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट हमारे यहाँ जो इन्वर्टिब्रेट बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट हमारे यहाँ अपीयर हुए लगभग 500 MYA मिलियन ईयर एगो। यही सवाल पूछे जाते हैं, आपको यही सीरीज मिलेगा जब आप देखेंगे इवोल्यूशन में लगा रहे होंगे क्वेश्चन या नीट के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दिए कि कब इन्वर्टिब्रेट आया, यूनिवर्स कब आया, पृथ्वी कब आई, जीवन कब आया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। इन्वर्टिब्रेट हमारे 500 MYA आए। फिर हमने जॉलेस फिशेस देखा, जॉलेस फिशेस यानी जिनकी जबड़ा नहीं था, जबड़ा रहित मछलियाँ, जबड़ा रहित मछलियाँ यानी जॉलेस फिशेज जो हैं लगभग 300 MYA 300 मिलियन ईयर एगो अपीयर हुई। फिर हम बात करते हैं डायनासोर, सुना होगा डायनासोर, डायनासोरोस जो या डायनासोर जो होता है 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है 65 मिलियन ईयर एगो। ये डेट्स ही पूछे जाते हैं आपसे कि कब कौन अपीयर हुआ था, ये लगभग आपके यहाँ एनसीईआरटी में एक चार्ट भी बना हुआ है इस तरह का, एनसीईआरटी में एक चार्ट भी इस तरह का बना हुआ है कि कब कौन अपीयर हुआ इस तरह देख रहे होंगे, ठीक है इसी से सवाल पूछे जाते हैं आपके यहाँ, इसी से सवाल पूछे जाते हैं, इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा ओरोडोबीसीन पीरियड, कौन पेलियोसीन में आया, कौन ईओसीन में आया, कौन मीजोसीन में आया। तो ये एक चार्ट बना हुआ है आपके यहाँ, एक चार्ट बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसमें मानव का उद्भव और विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे, जो सवाल पूछे गए उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो मानव अपीयर हुआ वो कौन था भैया, ड्रायोपिथिकस या रामापिथिकस, ड्रायो या रामा,
रामापिथिकस, ट्रायोपिथिकस या रामापिथिकस हुआ करते थे। इनके बारे में जो सवाल पूछे गए हम केवल उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ट्रायोपिथिकस या रामापिथिकस, ऐसे लाइन से हम देखते चले जाएंगे। तो जब ट्रायोपिथिकस या रामापिथिकस की बात करें तो ये लगभग 15 मिलियन ईयर ही होगी, 15 MYA, ऐसे लिख दें, इसका मतलब समझिएगा कि 15 MYA, क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया 15 मिलियन ईयर को हमारे यहाँ ट्रायोपिथिकस या रामापिथिकस देखे गए थे। ये तो इनके शरीर पे बाल होता था, शरीर पे बाल, शरीर पे क्या होता था भैया, शरीर पे बाल होता था, इनके शरीर पे क्या होता था भैया, बाल होता था, और क्या होता था भैया, और ये चलते थे गोरिल्ला की तरह, चलते थे गोरिल्ला की तरह चलते थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे, इनके सर पे शरीर पे बाल हुआ करता था और एक गोरिल्ला की तरह चलते थे। इस ट्रायोपिथिकस या ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात कौन आया, इस ट्रायोपिथिकस या रामापिथिकस की बात कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, सॉरी क्या आया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। हम मोटा मोटी वही बात कर रहे हैं जो सवाल पूछे गए आपसे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब आए, जैसे हम बोल रहे हैं कि 15 MYA, 15 मिलियन ईयर एगो आए, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करेंगे तो कब आए थे लगभग भैया, ये 2 मिलियन ईयर एगो। इनके बारे में हम लोग बोलते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस होते हैं वो फर्स्ट एप लाइक होते हैं, पहले एप तरह यानी मंकी की तरह दिखे, फर्स्ट एप लाइक एनिमल्स क्या है, एप की तरह दिखने वाले यानी बंदर की तरह दिखने वाले कब आए थे भैया, 2 मिलियन ईयर एगो की बात करें अगर, ठीक है। और ये खाते क्या थे, ये फ्रूट खाते थे, क्या खाते थे, फल खाते थे, याद रहे फल खाते थे कौन भैया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और क्या पूछा जाता है, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की यही लिख सकते हैं, क्रेनियल जो कैपेसिटी होती है यानी ब्रेन की कैपेसिटी, अगर देखें ब्रेन की कैपेसिटी, देखें ब्रेन की कैपेसिटी अगर हम देखें तो ये होती है 400 से 600 cc। कई बार मैक्सिमम टाइम में देखा होगा आपने यही सवाल, क्रेनियल कैपेसिटी पूछी गई है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 400 से 600 सीसी होती है। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन आए, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आए हमारे होमो हैबिलिस आए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन आया, होमो हैबिलिस आए। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी, इनका जो ब्रेन यानी मस्तिष्क हुआ करता था, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ इनके यहाँ क्रेनियल कैपेसिटी 650 से लेके 800 सीसी हुआ करती थी, 650 से लेके 800 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी हुआ करता था। आए कब थे, तो लगभग 1.2 मिलियन ईयर या हम बोलते हैं 1.5 मिलियन ईयर थे, या 1.2 से 1.5 MYA तक ये आए थे। फिर इनका काम क्या था, ये मीट नहीं खाते थे, डिड नॉट ईट मीट, यानी मीट नहीं खाते थे प्रोबेबली हम बोलते हैं कि नहीं खाते थे, ऐसा हमारा मानना है कि ये खाते नहीं थे। कौन भैया, होमो हैबिलिस की बात हम कर रहे हैं। और ये जो है पत्थरों के औजार बनाते थे, होमो हैबिलिस पत्थरों के औजार बनाते थे, होमो हैबिलिस की बात हो रही है, ये पत्थरों के औजार बनाते थे। तो होमो हैबिलिस के बाद कौन आया, होमो हैबिलिस के बाद हमारे यहाँ आए होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब पता ही चल रहा होगा कि ऐसे जो खड़ा होकर चलना स्टार्ट किए, कौन आया भैया, होमो इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस, कौन आया, होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस को एक और नाम दिया गया, इन्हीं को बोला गया क्या, जावा मैन, क्या बोला गया, जावा मैन बोला गया। अगर हम बात करें होमो इरेक्टस की, तो जावा मैन की बात करें तो लगभग इनके आने का जो समय था, जिसे हम मिलियन ईयर एगो में लिख रहे हैं,
तो 1.6 MOIA लगभग हम बोलते हैं कि इस दौरान ये आए, इतने मिलियन ईयर एगो आए, कौन जावा मैन या होमो इरेक्टस की जो बात कर रहे हैं। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है, यानी ब्रेन की बात करें, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी हमारे यहाँ 900 cc तक इनके यहाँ इनकी क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती है। और होमो इरेक्टस जो होते थे, ये प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि ये मीट खाते थे। यही सवाल पूछे गए आपसे, क्या भैया होमो इरेक्टस जो है माना गया ऐसा, जिसको कि हम जावा मैन बोल रहे हैं, तो प्रोबेबली 1.6 मिलियन ईयर एगो आए। और इनका जो ब्रेन कैपेसिटी यानी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो कितनी थी, लगभग 900 cc थी। और ये प्रोबेबली मीट खाते थे, मीट कंज्यूम करते थे। जो सवाल पूछे गए हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और उसके बाद कौन आया होमो इरेक्टस के बाद, कौन आए, नियंडरथल आए। कौन आए, नियंडरथल। नियंडरथल आए होमो इरेक्टस के बाद, कौन आया, नियंडरथल आए। लगभग नियंडरथल कब आए, 25,000 ईयर एगो बोल देते हैं, मिलियन नहीं लगाते हैं, याद रहे 25,000 ईयर एगो ए अपीयर हुए थे। ठीक है, इस नियंडरथल के बाद आए क्या, होमो सेपियंस आए। होमो सेपियंस ऐसे करके अगर हम देखें कि मानव के विकास में सबसे पहले कौन आया था, तो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस, उसके बाद कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद ऐसे देखते जाएंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन आया था, तो होमो हैबिलिस आए थे। होमो हैबिलिस के बाद कौन आया था, होमो इरेक्टस आए थे। होमो इरेक्टस के बाद कौन आया था, नियंडरथलेंसिस आए थे। उसके बाद कौन आया था, होमो सेपियंस आए थे। होमो सेपियंस आए थे। इनका एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम आपके यहाँ एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत सही है। इन जो भी हमने कोर कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, कि आप वहाँ से आंसर पिक करना है, उसी पार्ट को हमने आपको बताया है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।